नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। जी हाँ, यूपी के मुरादाबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां कोरोना चेकअप के लिए गई हुई टीम पर पथराव कर दिया गया। दो दिन पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हुई थी, उसके बाद जब स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिसकर्मी वहाँ जब चेकअप करने पहुंचे, टीम जब वहाँ पहुंची तो भीड़ ने इकट्ठा होकर वहाँ पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। लगातार आपको बता रहे कि किस तरीके से ये कोरोना पॉजिटिव मरीज की जब मौत हुई थी, उसके दो दिन बाद ये टीम वहाँ पहुंची है, और जब वहाँ टीम पहुंची तो इसके बाद पथराव शुरू कर दिया गया। पूरी जो वारदात है, नागफनी थाने के हाजी नैब की मस्जिद इलाके का मामला है, जहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीज की दो दिन पहले मौत हुई थी। उसके बाद टीम जब वहां गई है तो पत्थरबाजी कर उन्हें भगाने की कोशिश की गई, जिसमें पुलिसकर्मी स्टाफ, जो नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर बुरी तरह से घायल हुए हैं। हालांकि अभी पुलिसकर्मी पत्थरबाजों की तलाश कर रहे हैं, किसी को भी अभी पुलिस पकड़ नहीं पाई है, लेकिन तलाश अभी भी जारी है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कोरोना जाँच करने गई मेडिकल टीम पर ये हमला हुआ है। ये घटना जिले के नागफनी थाने के हाजी नैब की मस्जिद इलाके में हुई है। बताया जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव मरीज की जो मौत हुई थी दो दिन पहले, उसके बाद इस इलाके में मेडिकल टीम स्वास्थ्य परीक्षण करने के लिए पहुंची थी, इस दौरान उन पर हमला कर दिया गया। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार इलाके के लोगों ने 108 मेडिकल एम्बुलेंस पर पथराव किया। इस हादसे में एम्बुलेंस कर्मियों के साथ साथ डॉक्टर, नर्सेस और पुलिसकर्मी जो साथ में रहते वो भी घायल हुए हैं। चलिए जानते पूरा हाल मुरादाबाद का संवाददाता कुलदीप से। कुलदीप, क्या हालात है इस वक्त मुरादाबाद? कुलदीप, आवाज पहुंच पा रही है? कुलदीप, शायद हमारा संपर्क कुलदीप से टूट गया है, लेकिन आगे फिर संपर्क करेंगे। लेकिन फिर से एक बार आपको बता दें कि मुरादाबाद में पत्थरबाजी कर पुलिस स्टाफ, मेडिकल स्टाफ को भगाने की कोशिश की गई, क्योंकि इलाके में दो दिन पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया था, जिसकी मौत हो गई। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम वहाँ परीक्षण के लिए गई, जिसके बाद भीड़ में इकट्ठा होकर पुलिस विभाग के जो कर्मी हैं उन पर, मेडिकल विभाग के जो कर्मी हैं उन पर पत्थरबाजी की, जिसके बाद मेडिकल स्टाफ और पुलिसकर्मी पूरी तरह से घायल हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर मुरादाबाद से, जहाँ पथराव की एक और कहानी सामने आई है। इससे पहले भी यूपी के मेरठ में ही इस तरीके का मामला आ चुका है। जी हाँ, यूपी के मेरठ में भी जलीकोटी में इस तरीके की वारदात हो चुकी है, जब कोरोना संक्रमित मरीजों की तलाश के लिए वहाँ पर विभाग गया था और तीन मरीज वहाँ मिले भी थे। उसके बाद पत्थरबाजी की गई और वहाँ से इन कर्मियों को भगाने की कोशिश की। चलिए मुरादाबाद के हालात जानेंगे संवाददाता कुलदीप से। कुलदीप, इस वक्त मुरादाबाद में जो ये मामला है आया है, क्या है पूरा मामला, जानेंगे आपसे। मैम, मैं आपको बता दूं कि कोरोना योद्धाओं की टीम ने संदिग्ध व्यक्ति की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पूरी टीम योद्धा की टीम इस दल के साथ में नवापुरा पहुंची। वहां संदिग्ध व्यक्ति को लेने गई पुलिस पर और बच्चा ने योद्धाओं पर पथराव शुरू कर दिया। देखते ही देखते लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई और पुलिस के साथ में डॉक्टर भारी रूप से घायल हो गए। जिस तरीके से यूपी और कई अन्य राज्यों में भी ऐसा कहा जा रहा है कि अगर पुलिस विभाग या मेडिकल टीम पर कोई भी पथराव करता हुआ पाया जाता है तो एनएसए के तहत मामला दर्ज किया जाएगा, क्या इस तरीके की कोई भी कार्रवाई सामने आई है? पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिस पर धारा के तहत उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा पंजीकृत किया गया और जो लोग घायल है उनके क्या हाल है इस वक्त, क्या खतरे से बाहर है? मैम, घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ से उनको उपचार चल रहा है। जी, चलिए तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि घायलों का इलाज चल रहा है, मुकदमा दर्ज हो चुका है, जिन्होंने पत्थरबाजी की, इन चार पत्थरबाजों को पकड़ लिया गया है, बाकी की तलाश अभी भी चल रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या भारत में इसी तरह से होता रहेगा, जहाँ सुरक्षाकर्मी और पुलिसकर्मी और ये मेडिकल स्टाफ हमारी मदद के लिए तत्पर रहते हैं, क्या हम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते अगर ये स्टाफ हमारी मदद के लिए बाहर निकलता है, कोरोना संक्रमित मरीजों की तलाश के लिए निकलता है, तो हमें आगे बढ़कर इनकी मदद करनी चाहिए, ना कि इस तरीके की हरकत पथराव करके करनी चाहिए। बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के मुरादाबाद से, जहां पथराव कर मेडिकल कर्मी, जो मेडिकल स्टाफ की टीम थी, उसे घायल कर दिया गया। पुलिस स्टाफ के जो लोग थे वो घायल हो गए, बुरी तरह से घायल हुए। हालांकि
चार लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और बाकी लोगों की तलाश अभी भी जारी है। एक बार फिर से आपको बता दें कि 108 एम्बुलेंस में जो डॉक्टर नर्सेज मेडिकल स्टाफ पूरा गया हुआ था, पूरी तरह से घायल हो चुका है। पत्थर जो पत्थरबाज थे उन्होंने पथराव कर दिया अचानक से, साथ ही साथ जो पुलिसकर्मी थे वो भी घायल हो गए। पूरा मामला मुरादाबाद के नागफनी थाने के हाजी नेक की मस्जिद इलाके का है, जहां कोरोना पॉजिटिव शख्स सरताज की दो दिन पहले मौत हुई थी, वहीं स्वास्थ्य परीक्षण की टीम वहां पहुंची थी। इसके बाद पथराव कर इन्हें भगाने की कोशिश की गई। इससे पहले भी ऐसा मामला आ चुका है यूपी के मेरठ से, जहां तीन कोरोना पॉजिटिव लोग मिले थे, मरीज मिले थे, जिसके बाद चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जलीकोटी का पूरा मामला है मेरठ की, जहां पुलिस स्टाफ और मेडिकल स्टाफ पर पत्थरबाजी कर उन्हें भगाने की कोशिश की गई थी। हालांकि चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था, बाकी लोगों की तलाश जारी थी। और अब यह अगला मामला मुरादाबाद से सामने आया है। यूपी के ही दो जिलों से ऐसा मामला सामने आया है, जबकि सरकार कड़े निर्देश दे रही है कि अगर कोई भी पुलिसकर्मी या मेडिकल स्टाफ पर इस तरीके से पत्थरबाजी करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिर भी जनता है कि नहीं मान रही है। आपको बता दें कि किस तरीके से 11,000 के पार आंकड़े चले गए हैं कोरोना संक्रमितों के, लेकिन अभी भी लोग नहीं मान रहे हैं, विभाग का साथ नहीं दे रहे, सरकार का साथ नहीं दे रहे, क्योंकि अभी जरूरत है एकजुट होकर खड़े होने की, लेकिन लोग नहीं समझ रहे। ऐसे में उन लोगों तक संदेश लाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये समय कोरोना से जंग लड़ने का है, एकजुटता दिखाने का है। तो आप सभी पुलिस विभाग, मेडिकल विभाग की मदद करें। अगर कोई भी कोरोना संक्रमित मरीज आपके पास है, आपको उसकी जानकारी है, तो आप विभाग की मदद करें, उनको जानकारी दें। इसी के साथ इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एक स्टार।